और उसके साथ ही इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस जो सीपीयू को प्राप्त होती हैं या सीपीयू अन्य कंपोनेंट्स को प्रदान करता है। इसमें सबसे पहला पार्ट है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो सभी तरह के लॉजिकल ऑपरेशंस को करती है। अर्थात जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं कंप्यूटर में, वो सारे इस ALU यूनिट के द्वारा ही किए जाते हैं। दूसरी यूनिट जो सबसे इम्पोर्टेंट रहती है वो है CU के रूप में, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस या निर्देशों को प्राप्त करती रहती है और उन्हें डिकोडिंग का काम कंट्रोल यूनिट को ही करना होता है। इस प्रक्रिया के लिए जब भी उसे ALU की जरूरत पड़ती है, ALU को भी वो कॉल कर सकती है। इसी तरह से तीसरी जो CPU के इनसाइड एक यूनिट अवेलेबल रहती है वो है मेमोरी, जिसका मुख्य कार्य इनपुट और आउटपुट निर्देशों को स्टोर करना होता है जो एक CPU के द्वारा दिए जाते हैं। अर्थात जो भी इनपुट प्राप्त की जाती है या जो भी आउटपुट CPU देना चाहता है, वो सारी उस मेमोरी सेगमेंट में स्टोर की जाती है जो CPU निर्देशित करता है। इस प्रकार से CPU इन सभी कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। हमारे पास यहाँ कुछ CPUs के उदाहरण अवेलेबल हैं जिनकी जानकारी हम लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है P3, जिनके मुख्य प्रोसेसर 500 मेगाहर्ट्ज से लेकर 1000 मेगाहर्ट्ज के बीच में अवेलेबल हैं। मेगाहर्ट्ज एक क्लॉक यूनिट है। मेगाहर्ट्ज हमारे प्रोसेसर की स्पीड को इंडिकेट करता है, परंतु ये जरूरी नहीं कि जितने आपके मेगाहर्ट्ज ज्यादा हो उतना ही आपका प्रोसेसर भी फास्ट हो, क्योंकि प्रोसेसर में और भी काफी सारे एलिमेंट रहते हैं, जैसे कि कोर आर्किटेक्चर और साथ ही मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम। परंतु फिर भी कुछ हद तक आप यदि मेगाहर्ट्ज को देखते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड क्या है। इसी तरह से हमारे पास पेंटियम P4 जो है वो 1 GHz से लेके 3 GHz तक अवेलेबल है, 1 GHz से लेके 3 GHz तक अवेलेबल है। इसमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब मेगाहर्ट्ज 1000 हो जाते हैं तो हम उन्हें 1 GHz कह सकते हैं। इस तरह से 3 GHz का मतलब 3000 MHz है। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्यूल कोर आर्किटेक्चर के प्रोसेसर्स हैं, उनमें मुख्य प्रोसेसर्स की स्पीड 1.6 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज के बीच में अवेलेबल रहती है। इंटेल पेंटियम ड्यूल कोर आर्किटेक्चर जो है वो डिफरेंट रहता है पेंटियम 4 से। यदि हम 1.6 ड्यूल कोर की बात करें और 1.6 P4 की बात करें, तो कोर आर्किटेक्चर के कारण ड्यूल प्रोसेसर्स बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं P4 से। इसी तरह से नेक्स्ट इंटेल सीरीज में एक और प्रोसेसर है जो बहुत ज्यादा फास्ट है, वो है कोटड्यू। तो कोटड्यू प्रोसेसर की जो स्पीड रहती है वो भी 1.6 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज है। वही बात बताना जरूरी है कि जरूरी नहीं कि आपकी गीगाहर्ट्ज स्पीड ज्यादा हो तो आपके प्रोसेसर की प्रोसेसिंग भी फास्ट हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोटड्यू जो 1.6 गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर्स हैं, उनकी स्पीड अपने कोर आर्किटेक्चर के कारण ड्यूल कोर और P4 जो 1.6 गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर हैं उनसे ज्यादा रहती है। इंटेल की जो नई सीरीज है i3, i5 और i7 के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, जिसमें i3 2.93 गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर का एग्जांपल है। इसी तरह से i5 2.8 गीगाहर्ट्ज और i7 जो है वो 2.66 गीगाहर्ट्ज का एग्जांपल अवेलेबल है। इसमें भी यही खास बात है कि इनके जो कोर आर्किटेक्चर हैं बहुत ज्यादा बढ़िया है, इनकी जो मल्टी थ्रेडिंग कैपेबिलिटीज हैं वो भी बहुत बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से इन प्रोसेसर्स की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे हमने पहले बताया था आपको कि हमारे पास इंटेल और AMD दो मुख्य कंपनियां हैं जो प्रोसेसर्स में डील अप करती हैं। इनमें AMD सीरीज के प्रोसेसर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी अपनी क्षमताएं हैं। AMD सेम्प्रोन के नाम से सीरीज अवेलेबल है, AMD एथलोन के नाम से और AMD फिनोम के नाम से भी एग्जाम्पल के रूप में यह सीरीज अवेलेबल है। इनका प्रयोग हम AMD मदरबोर्ड के साथ कर सकते हैं। AMD मुख्यतः गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए या